आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हूं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाके में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। वजारत दाखिला ने 48 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। जराए के मुताबिक यह हमला शिया अक्सरियत वाले इलाके में एक तालीमी इदारे को निशाना बनाकर किया गया। हमले में कम से कम 35 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बगलान में तालिबान ने मुतअद्दिद चेक पोस्टों पर हमले किए। इन हमलों में 40 अफगान फौजी और पुलिस अहलकार मारे गए हैं। बगलान सूबे के स्टेट काउंसिल के चीफ मोहम्मद सफदर मोहसैनी ने बताया कि बगलान मरकजी में देर रात हुए हमले के बाद तालिबान जंगजुओं ने जांच चौकियों में आग लगा दी और तालिबान के दहशतगर्दों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तालिबान के तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पुलिस अहलकार की हलाकतें बहुत ज्यादा हैं जबकि 31 फौजियों को हमले में हलाक किया गया है। तो तालिबान में अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान का एक और हमला, और अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों से हमले मुसलसल जारी हैं और बल्कि इनकी तादाद बढ़ी है। अमेरिका की अफगान पॉलिसी जिस तरह से बदली गई है उसके बाद तालिबान बहुत तेजी के साथ सरगम हुआ है और ये लगातार हमले कर रहा है अफगानिस्तान में। ऐसे में जबकि अभी कुछ महीने बाद अफगानिस्तान में इंतखाबात होने हैं, उससे पहले तालिबान की सरगर्मियां एक फिक्र का जरूर बाइस बनती जा रही है। तो काबुल में बम धमाका, कम से कम 48 लोगों की मौत। इधर तुर्की ने जवाबी इकदाम करते हुए अमेरिकी मसनूआत पर दरामदी टैक्स को दोगुना कर दिया है। इन मसनूआत में अमेरिकी कारें, तंबाकू और अल्कोहल वगैरह शामिल हैं। तुर्की के नायब सदर फवाद ओहताई ने कहा है कि अमेरिका के इजाफी टैक्स का ये जवाब है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तुर्की की मईशत पर दानिश्ता तौर पर हमला किया है, इसे कबूल नहीं किया जा सकता है। वहीं इससे कबल तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बायकॉट का ऐलान किया था। अमेरिका और तुर्की ने एक दूसरे की मसनूआत पर दरामदी टैक्स लगाने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब तुर्की की करेंसी की कदर में अदन इस्तेहकाम पाया जाता है। तुर्की की मुद्रा लीरा में कल मामूली सुधार आने से दुनिया भर के शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली है। हालांकि लीरा को अपनी खोई हुई कदर वापस पाने में काफी मशक्कत करनी होगी। तुर्की की इकोनॉमी मजबूत है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। हम लगातार डॉलर के प्रेशर को कम कर रहे हैं। हम यूरो, युआन, रूबल में तिजारत पर गौर कर रहे हैं। हमारे अमेरिकी सनतकार अमेरिकी हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। इस मामले में तुर्की का मौकफ वाज़ह है। हम लोग चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकल आए। वहीं तुर्क सूबे अजमेर की एक अदालत ने अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रिंसन की नजरबंदी और सफरी पाबंदी खत्म करने की अपील को मुस्तरद कर दिया है। पादरी के वकील ने अपील गुज़श्ता रोज दायर की थी और अपील के फैसले पर सूबे की आला तरीन अदालत नजरसानी कर सकती है। 50 बरस के पादरी को जासूसी और दहशतगर्दी से जुड़े इल्जामात का सामना है लेकिन अमेरिकी हुकूमत इन इल्जामात की सख्ती से तर्दीद करती है और इस पादरी की गिरफ्तारी पर अमेरिकी और तुर्की के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर ट्रंप तुर्की में कैद पादरी की पुरअमन सफारती जराए से रिहाई में नाकामी से सख्त मायूस है और उन्होंने तुर्क हुकूमत के खिलाफ मजीद इकदामात की धमकी दी है। शौकत भारती साहब इस वक्त हमारे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर उनसे बात करेंगे। शौकत भारती साहब, सबसे पहले तो आपको हिंदुस्तान की यौम आजादी की दिली मुबारकबाद और उसके बाद जी आपको, आपकी पूरी टीम को और पूरे हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं सर तुर्की की। तुर्की और अमेरिका के बीच जो कशीदगी बढ़ रही है, पलटवार करते हुए तुर्की ने भी अमेरिकी मसनूआत पर टैक्स बढ़ा दिया है, आखिर ये दुश्मनी कहां तक जाएगी? देखिए, दिक्कत ये है कि तुर्की के बॉर्डर से अमेरिका अपना सारा काम चला रहा था, ठीक है, और उसके बॉर्डर से सीरिया के अंदर जो कुछ करना चाह रहा था वो कर रहा था और वहां पर पूरी तरीके से आईसिस की मदद हो रही थी। जब से तुर्की ने अपने बॉर्डर के ऊपर रोक लगा दी है तब से अमेरिका परेशान हो गया जी। और दूसरी वजह ये थी कि उर्दगान ने जब ओआईसी की वहां पर क्या नाम है मीटिंग बुलाई और उसके बाद जेरुसलम जब कैपिटल बनाई जा रही थी उस वक्त उर्दगान ने उसकी मुखालफत की, ठीक है। ये जो सारी वजह थी कि देखिए फॉरेन इन लोगों की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है टेररिज्म, जिसके जरिए ये मुल्कों को बर्बाद करते हैं, वहां अपने आर्म्स बेचते हैं,
तो चूंकि अब उनकी कमर तोड़ने का काम चूंकि तुर्की ने किया कि उस इलाके से आईएसआईएस को मदद पहुंचना बंद हो गई और ये अमेरिका को गवारा नहीं हो रहा कि उन लोगों को मत दो, इसलिए वो पूरी तरीके से तुर्की को करना चाहते हैं। और दूसरे जिस पादरी को पकड़ा है, ठीक है, उस पादरी को जो पकड़ा है वहां के ऊपर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अब उसको छुड़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा बेचैन है। ठीक है, लेकिन सदर तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की अमेरिकी सामान का बायकॉट करेगा, क्या तुर्की के सामने सिर्फ यही उपाय है? देखिए तुर्की इस वक्त मामला देखिए आप दूसरा बन रहा है, आप देखें कि इस वक्त रशिया, तुर्की, चाइना, ईरान, ये सब इवन इराक, यानी जितने लोग हैं वो सब के सब पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ ये बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। यहाँ तक कि जो अमेरिका के 100 बड़े अखबार हैं उनके लोगों ने कहा है कि हम ट्रंप की इस गलत पॉलिसी के खिलाफ एडिटोरियल लिखेंगे। तो ट्रंप की गलत पॉलिसी के खिलाफ तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो ईरान को सैंक्शन लगाकर सजा दे रहे हैं उसी तरीके से चाह रहे हैं कि ये अर्दोगान को भी कंट्रोल कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता है। लेकिन सर तुर्की अमेरिका के बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल सकता है, लेकिन अर्दोगान भी अड़े हुए हैं। क्या वो मुस्लिम दुनिया में एक मसीहा के तौर पर अपने आप को बहुत ताकतवर के तौर पर या एक आगे क्यादत कर सके, इस तरह की कुछ दिखाने की कोशिश में है क्या? देखिए जैसे ही S-400 की डील शुरू हुई रशिया के साथ में तुर्की की, ठीक है, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि S-400 ये लें क्योंकि इसराइल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा जो है S-400 है। और जैसे ही S-400 की डील रशिया के साथ शुरू हुई अमेरिका ने पहले मना किया और S-400 जो भी कंट्री लेना चाहता है अमेरिका उसके साथ में इस तरह की बात करता है। और चूंकि अब वो रशिया के साथ चले जा रहे हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं है, इसलिए तुर्की के साथ ये सारे मामले हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, अपनी अहम राय आपने दी इस खास इशू पर। तो अमेरिका और तुर्की के बीच कशीदगी तेजी से बढ़ रही है और आज तुर्की ने भी इस पर एक्शन लिया है। उधर नायब सदर इसहाक जहांगीर का कहना है कि अमेरिका इस कोशिश में है कि वह मुख्तलिफ पाबंदियों का नफाज करके ईरान को झुकने पर मजबूर कर दे। जहांगीर के मुताबिक सारी ईरानी कौम की अव्वलीन तरजीह यह है कि पाबंदियों के नफाज के बाद इत्तेफाक पर इत्तेहाद से आगे बढ़ा जाए ताकि ईरानी अवाम को कम अज कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। इसहाक जहांगीर ने कहा कि ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका को पहले 2015 के जौहरी समझौते पर अमल करना होगा। आपको बता दें कि 2015 के जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदी लगा दी है जिसके सबब ईरान की मईशत बहुत कमजोर हो गई है। इसराइल ने फलस्तीनी सरहद पर वाक़े करम अबू सालिम क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया है जो गाजा पट्टी तक सामान पहुंचाने वाली वाहिद गुजरगाह है और ये गुजरगाह इसराइल और हमास के बीच कशीदगी के बाद 9 जुलाई को बंद कर दी गई थी जिसके सबब गाजा की आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसराइल की जानिब से बॉर्डर क्रॉसिंग खोले जाने के बाद दर्जनों ट्रक मुख्तलिफ सामान और ईंधन लेकर गाजा पट्टी में दाखिल हो गए। इसराइल के वजीर दिफा इक्वेडोर लेबरमान ने कहा है कि गाजा के शहरियों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो पुरअमन रहेंगे तो गुजरगाह खुली रहेगी और तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होगा। इजरायली हुकूमत ने सरहदी गुजरगाह खोलने का फैसला मिस्र और अक़्वामे मुत्तहिदा की सालसी से तय कर पाने वाली फायरबंदी के नतीजे में किया है। इधर यमन के अल हुदैदा में हौसी बागियों और अरब इत्तेहाद के दरमियान लड़ाई जारी है। यमनी हुक्काम के मुताबिक बंदरगाही शहर हुदैदा में जारी लड़ाई में कम अज कम 18 आम शहरी मारे गए हैं। हलाक होने वालों में 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हुदैदा पर कब्जे के लिए यमनी अफवाज लगातार हौसी बागियों पर हमले कर रहे हैं जिससे कि अरब इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। मंसूर हादी की सरकारी फौज हुदैदा के दूरीहमी इलाके पर काबिज होने की कोशिश में है और इस इलाके पर हौसी बागियों का कब्जा है। वहीं शुमाल मगरबी हुज्जता गवर्नरी में भी सरकारी फौज और हौसियों के बीच शदीद लड़ाई चल रही है। सराय के मुताबिक आला सादा के मकाम पर हौसियों की गोलाबारी के नतीजे में 5 शहरी हलाक हो गए। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। पाकिस्तान में कौमी असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आज वोटिंग हुई। सुबकदोश होने वाले स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास हुआ जहां खुफिया राय शुमारी के जरिए पहले मरहले में स्पीकर का इंतखाब किया गया और सीक्रेट वोटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने अपोजिशन इत्तेहाद के खुर्शीद शाह को शिकस्त दे दी।
असद कैसर ने 176 और खुर्शीद अकबर ने 146 वोट हासिल किए। पोलिंग के नतीजे के ऐलान के बाद अयाज सादिक ने असद कैसर को कौमी असेंबली स्पीकर का हलफ दिलवाया। और इस वक्त हमारे साथ अनस मलिक साहब जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे मॉविन चैनल के वियोन के, और उनसे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं जी अनस, ये जानना चाहेंगे आपसे आज कौमी असेंबली में पाकिस्तान की सीक्रेट वोटिंग तरीके इंसाफ के असद कैसर ने अपोजिशन इत्तेहाद के खुर्शीद शाह को शिकस्त देकर असेंबली के स्पीकर के तौर पर भी अपनी जगह पक्की कर ली है, आगे अब क्या कुछ होने जा रहा है और हलफ बर्दाई तकरीब पीएम की कब है? जी बिल्कुल इमरान, आज पाकिस्तान की जो नई असेंबली है उसका दूसरा सेशन हुआ जिसको सुबुकदोष होने वाले स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में ये शुरू हुआ। इस सेशन के एजेंडे के अंदर जो था वो पहले इलेक्शन था स्पीकर का, स्पीकर का चुनाव था जिसके बाद स्पीकर का हल्फ था, और फिर नया स्पीकर का हल्फ के लेने के बाद फिर नए स्पीकर की जानेब से डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल कराया जाना था। स्पीकर के इंतखाब का अमल हुआ जिसमें जो पीटीआई के असद कैसर हैं उन्होंने 176 वोट लिए, बमुकाबला खुर्शीद शाह जो ऑपोजिशन के ज्वाइंट ऑपोजिशन के जो उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जो खुर्शीद शाह हैं उन्होंने 146 वोट लिए। टोटल 330 वोट डाले गए जिसमें से 322 वोट एक्सेप्ट हुए और 8 वोटों को रिजेक्ट किया गया। इसी के साथ साथ जो डिप्टी स्पीकर का जब इंतखाब हुआ तो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में कासिम सूरी जो है पीटीआई के उनको 183 वोट मिले, जबकि मौलाना असद महमूद जो ज्वाइंट ऑपोजिशन इत्तेहाद के थे जिनका ताल्लुक जेयूआई फे मुतेरा मजलिस अमल से था उनको 144 वोट मिले। मजे की बात इसमें यह है कि आज असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एहतजाज की असेंबली जाने से पहले, लेकिन साहब से भी जानना चाहेंगे हलफ बर्दाई तकरीब कब है वजीर आजम ओहदे के लिए, और कैबिनेट में शुरुआती तौर पर अगर हम देखें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जी अगले सेशन जो 17 तारीख को होगा, 17 अगस्त को जुम्मे के दिन, उसमें वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा, उसके लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान के 19वें वजीर आजम 18 तारीख को हफ्ते के दिन अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। साथ साथ जो अभी पीटीआई की जो इंटरिम जो अबूरी तौर पर जो नाम सामने आए काबीना में उसमें असद उमर जो है वो वजीर खजाना होंगे जिनको कन्फर्म हम कर सकते हैं। साथ साथ जो जो के उम्मीदवार हैं जो के प्रोबेबल हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं उनको मुतवक्का तौर पे वजारत खजाना दी जा सकती है, शेरी मजारी को मुतवक्का तौर पे वजीर दिफा लगाया जा सकता है। साथ साथ शेख रशीद को जो कि आवामी मुस्लिम लीग के हैं वो पहले भी मुशर्रफ दौर के अंदर पाकिस्तान के वजीर रेलवे थे तो उनको रेलवे की वजारत मिलने का इम्कान है, और जो पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है शहबाज चौधरी उनको इन्फॉर्मेशन की वजारत मिलने का है। नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका इस्लामाबाद से। तो अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात हिंदुस्तान की करेंगे। हिंदुस्तान की यौम आजादी के मौके पर हिंद पाक सरहद पर आज खास नजारा देखने को मिला। रोज शाम को होने वाली बीटिंग रिट्रीट का शानदार इनेकाद हुआ जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर सुरेश रैना और मारूफ मौसीकार कैलाश खेर खासतौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों जानिब से फौजियों ने अपने तरीके से परेड को अंजाम दिया। इस खास तकरीब में खास सकाफती प्रोग्राम भी हुए। आजादी की खुशी में डूबे हिंदुस्तानियों का जोश आज देखते ही बन रहा था। सरहद में तकरीबन 50,000 लोगों के हुब्बुल वतनी के नारे से पूरा सरहदी इलाका गूंजता रहा। साथ में हाथ में लोग परचम लिए हुए थे तिरंगा और जोश से लबरेज नजर आए। उधर लेबनान में नामजद वजीर आजम साद हरीरी ने कहा है कि लेबनानी सियासी जमातों को इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देने के लिए कुछ मजीद वक्त की दरकार है। वजरा कि लेबनान में आम इंतखाबात के इनेकाद को 3 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन हुकूमत तश्कील दी जा सकी है। बेरूत में अपनी जमात में खासतौर से मुस्तकबिल की मीटिंग से कबल मीडिया से बातचीत करते हुए हरीरी ने साफ तौर पर कहा कि दीगर जमातों के साथ हतमी फार्मूले तक पहुंचने से पहले थोड़ा वक्त लगेगा, उसकी दरकार है। आपको बता दें कि 6 मई को हुए इंतखाबात में हिजबुल्ला और उसके हरीफों को पार्लियामेंट में
अक्सरियत हासिल हुई है, लेकिन लेबनानी कानून के मुताबिक कोई भी सुन्नी ही वजीर आजम बन सकता है। ऐसे में सुन्नी शिया और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वजारती कलमदानों की दौड़ में लगे हुए हैं। हुकूमती तश्कील में ताखिर के नतीजे में सियासी फरीकों के दरमियान इल्जाम तराशी का दौर भी शुरू हो गया है। इधर यूरोप में पनाह गुजीनों का मसला संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। यही वजह है कि जर्मनी ने अपने यहां से 46 अफगान शहरियों को बाहर कर दिया है। जर्मन हुकाम का कहना है कि इन सियासी पनाह गुजीनों की दरख्वास्त नामंजूर होने के बाद इन्हें बेदखल किया गया है और इन अफराद को लेकर एक का हवाई जहाज आज अफगानिस्तान पहुंचा। सन 2016 से बेदखल किए जाने वाले अफगान शहरियों की यह 15वीं परवास थी। गुज़श्ता माह ऐसे ही बेदखल किए जाने वाले अफगान शहरी ने काबुल पहुंचकर खुदकुशी कर ली थी। अफगान पनाह गुजीनों की मुल्क बदरी ऐसे वक्त हो रही जब अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि हर साल सैकड़ों अफगान बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोपीय ममालिक का रुख कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के सीनेटर फ्रेजर एनिंग ने मुसलमानों के खिलाफ मुतनाजा बयान दिया, जिसके बाद उन पर माफी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। फ्रेजर ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि मुसलमानों को ऑस्ट्रेलिया आने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है। फ्रेजर एनिंग यही नहीं रुके, उन्होंने नस्ली तासुब से भरे बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यूरोप के गोरे क्रिश्चियन को ही बसने दिया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम मैकलम टर्नबुल ने फ्रेजर एनिंग के बयान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे सेकुलर मुल्क में इस तरह की नस्ली भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। आई बिलीव दैट द रीजन फॉर एंडिंग ऑल फर्दर मुस्लिम इमिग्रेशन आर बोथ कंपेलिंग एंड सेल्फ एविडेंट। The record of Muslims who have already come to this country in terms of rates of crime, welfare dependency and terrorism are the worst of any migrant and vastly exceed any other immigrant group. The majority of Muslims in Australia of working age do not work and live on welfare. Muslims in New South Wales and in Victoria are 3 times more likely than other groups to be convicted of crimes. We have black African Muslim gangs terrorising Melbourne. We have ISIS sympathizing Muslims trying to go overseas to fight for ISIS, and while all Muslims are not terrorists, certainly all terrorists these days are Muslims. So why would anyone want to bring more of them here? There is no place in Australia for racism. We are the most successful multicultural society in the world. We are a migration nation. Our immigration program is non-discriminatory. The White Australia policy was abolished by my predecessor as Prime Minister and Liberal leader, Harold Holt. Senator Anning's remarks are appalling. I condemn them and I reject them in their entirety. यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं जी सलाम, हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। न्यूजीलैंड में स्कूल टीचर्स हड़ताल पर हैं और आज हजारों असातिज़ा ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला। गुज़श्ता 20 सालों में स्कूल टीचर्स पहली बार हड़ताल पर हैं और ये लोग हुकूमत से बेहतर तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले इतनी तनख्वाह बरसों से उनकी नहीं बढ़ाई गई है। 30,000 स्कूल टीचर्स की हड़ताल की वजह से 4 लाख बच्चों की पढ़ाई ठप है। वाज़ेह है कि इख्तदार में आई लेबर हुकूमत ने इंतखाबात में वादा किया था कि वह सोशल सेक्टर में ज्यादा पैसा खर्च करेगी। इधर जापान में दूसरी आलमी जंग में शिकस्त की 73वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर मुल्क में कई प्रोग्राम मुनक्कित किए गए। टोक्यो में मुनक्कित एक तकरीब में खिताब करते हुए जापानी बादशाह अकीहितो ने जंग में जापान की शमूलियत पर शदीद रंज और पछतावे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जंग की तबाहकारियों का हमें एहसास है, उम्मीद है कि इसकी दोबारा पैरवी नहीं की जाएगी। उन्होंने हलाक होने वाले जापानियों को याद करते हुए आलमी अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी जानिब कदामत पसंद जापानी वजीर आजम शिंजो आबे की तरफ से दूसरी आलमी जंग के दौरान हलाक होने वाले लाखों जापानियों की यादगार में हाजिरी दी गई और फूल चढ़ाए गए।
جنوبی کوریا میں آج سینکڑوں لوگوں نے دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپانی فوجوں کے حوث کا شکار بنی خواتین کے حق میں احتجاج کیا اور جاپان مخالف نعرے بازی کی۔ جنوبی کوریا میں آج ان خواتین کی یاد میں ایک میموریل کا افتتاح کیا گیا جس میں کہ سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے جاپان میں اس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور متاثرہ خواتین کے لیے معاوضے کی مانگ کی۔ ادھر اٹلی کے جنیوا شہر میں ایک پل حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 39 ہو گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن میں لگی ایک پولیس افسر نے بتایا ہے کہ حادثے میں 16 لوگ بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور ذرائع کے مطابق 12 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں اور پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے رات بھر راحت اور بچاؤ کا کام جاری رہا۔ Un paese civile e moderno come l'Italia non può permettersi di vedere fatti tragici come اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملک میں اس طرح کے واقعات برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ جو بھی اس حادثے کے لیے ذمہ دار ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ سب سے پہلے گاج پل مینٹیننس کرنے والی کمپنی پر گرے گی، اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اس کا لائسنس بھی رد کیا جائے گا۔ ادھر امریکہ کی بامیزی جھیل میں ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا جب ایک بطخ اپنے 76 بچوں کے ساتھ ایک قطار میں تیرتی دکھائی دی۔ ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر برینٹ سیزک نے ان کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی، جس کے بعد یہ تصویر وائرل ہو گئی۔ یہ قدرت کا شاندار نظارہ ہے جو دوبارہ دیکھنا کافی مشکل ہے۔ بطخوں کا ڈسپلن دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ تو بطخ اپنے 76 بچوں کے ساتھ اس جھیل میں پورے ڈسپلن کے ساتھ ایک قطار میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین ورلڈ نیوز میں اتنا ہی، لیکن زی سلام پر جاری ہے خبروں کا سفر۔ آپ رہیے زی سلام کے ساتھ۔